40,000 रुपया अगर तुम्हारा बजट है और एक नया लैपटॉप खोज रहे हो, बहुत दिनों से यूट्यूब में वीडियोस देखते हुए आ रहे हो, एक लैपटॉप तुम्हें लेना है, तो इस वीडियो पे बहुत ही अच्छा काम किए हो आके। आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसे लैपटॉप्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंडियन मार्केट के अंदर 40,000 रुपया में तबाही मचाते हैं। जी हाँ, मैंने खुद रिसर्च किया और ऐसे कुछ लैपटॉप्स को ढूंढ के निकाला जिसके अंदर आपको 40,000 रुपया के अंदर 4 Core 8 Threads देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ उनमें आपको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, रैम को अपग्रेड आप 16 GB तक कर सकते हो, DDR4 का 3200 MHz वाला रैम रहेगा, साथ ही साथ 512 GB का NVMe M.2 SSD देखने को मिलेगा, उसको आप लोग 2 TB तक एक्सपांड कर सकते हो, एक्सपांड वाला स्लॉट भी देखने को मिलेगा। 40,000 रुपया में इतना सारा चीज आपको मिलेगा, बट वो कौन से लैपटॉप है उनके बारे में जानने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया फटाफट से एक लाइक करके उस बटन को नीला कर दो, एंड हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारे चैनल के अंदर ऐसे ही लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। देखो, लैपटॉप खरीदने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10th generation वाले लैपटॉप में चले जाते हैं, 10th generation वाला लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ड्यूल कोर लैपटॉप में जाते हैं, वो भी नहीं लेना चाहिए। अभी के टाइम पे जो लेटेस्ट लैपटॉप चल रहे हैं वो इंटेल का या फिर 11th generation या फिर राइजन के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ, लाइक Ryzen 3 Ryzen 5 के साथ आपको जाना चाहिए। अब ऐसे में और एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप ले लेते हैं। देखो, हार्ड ड्राइव 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, ऐसे में 40,000 या 50,000 रुपए के अंदर भी आपको 2 TB तक का हार्ड ड्राइव दे देता लैपटॉप के अंदर, बट हार्ड ड्राइव 10 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। अगर आज के दिनों में आके 2022 में आप हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप लेते हो, ये तो यार आपसे बहुत बड़ा गलती हो जाता है। सो इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। देखो, अभी अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35,000 या 36,000 रुपया है, आप 40,000 रुपया एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए एक बेस्ट लैपटॉप मैंने ढूंढ के निकाला है। दोस्तों, ये आता है हमारे लिनोवो की तरफ से IdeaPad Slim 1 सीरीज के अंदर। अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो 40,000 रुपया, तो ही इसको देखना। इंडियन मार्केट में इसका प्राइस 35,700-36,000 रुपया तक मिलता रहता है। इसके अंदर आपको जो फीचर्स दिए जा रहे हैं ना इस प्राइस के अंदर, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD TN पैनल जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ आता है, 220 का यहाँ पे ब्राइटनेस मिलेगा, एंड आपको यहाँ पे नैरो बेजेस देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लिनोवो के डिस्प्लेस ऑलरेडी अच्छे ही आते हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस के लिए इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है राइजन 3 का 3250U वाला प्रोसेसर। दोस्तों, ये प्रोसेसर आपको 3.5 GHz तक के अंदर देखने को मिलेगा, एंड साथ ही साथ इसमें आपको रेडियन वेगा ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। ये जो प्रोसेसर है ये 2 Core और 4 Threads के साथ आता है, मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक अच्छा प्रोसेसर है, बैलेंस प्रोसेसर है। और अगर आपका बजट 37,000 से 36,000 रुपया के आसपास में वेरी करता है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको 512 GB का एक SSD देखने को मिलेगा, 8 GB का रैम मिलेगा जिसको अप टू 12 GB तक आप लोग एक्सपांड कर पाओगे, 2400 MHz का रैम है, बहुत ही अच्छा रैम फ्रीक्वेंसी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा भी इसमें आपको मिलता है 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप, विंडोज 11 मिल जाएगा प्री इंस्टॉल्ड, एंड 64 bit वाला यहाँ पे आपको सिंगल लैंग्वेज के साथ दिया गया है, साथ ही साथ ऑफिस भी मिलेगा एंड स्टूडेंट भी मिलेगा 2021 वाला। मतलब ये लेटेस्ट लैपटॉप है तो सारा कुछ लेटेस्ट चीज आपको देखने को मिलेगा। विंडोज 11 मिलता है, तो 10 से 11 पे अपग्रेड करने का जो झंझट है उसमें भी आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप तो मिलता ही है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस वाले लैपटॉप को लेने का और एक खास रीजन बन जाता है, बिकॉज इस वाले बजट के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। साथ ही साथ फुल साइज यहाँ पे नमपैड कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा एंड स्लिम फिनिश आपको देखने को मिलेगा। ये स्लिम सीरीज के अंदर आता है, लिनोवो IdeaPad स्लिम 1 नाम है इसका। तो यहां पे आपको कुछ मेटालिक टाइप का टॉप देखने को मिलेगा एंड स्लिम यहां पे आपको ये लैपटॉप देखने को मिलेगा। 1.3 और 4 केजी के आसपास इसका जो वजन है आता है। अगर Amazon के अंदर देखो 35,700 रुपए के अंदर ये लैपटॉप आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप में से कोई इसको परचेस करना चाहते हो, आपके पास उतना ही बजट है, डेफिनेटली इसको देख सकते हो। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसके बारे में और भी कुछ जान सकते हो। दूसरा ये जो लैपटॉप है ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट इससे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप लोग 37,000 रुपया तक एफोर्ड कर सकते हो तभी इस वाले लैपटॉप को देखना। HP की तरफ से आता है HP का 14S। इंडियन मार्केट में करेंटली इस वाले लैपटॉप का जो प्राइस चल रहा है
36,990 रुपीज अमेजोन के अंदर चल रहा है। अगर आपका बजट 37,000 रुपया के अंदर में है, आप 40,000 एफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो इस लैपटॉप को जरूर देखो। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स आपको मिलता है। इसमें आपको 14 इंच का फुल HD IPS स्क्रीन देखने को मिलता है, 250 नित तक का यहाँ पे आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, नैरो बेजल्स के साथ आता है और IPS डिस्प्ले है। ध्यान रहे 37,000 रुपया के अंदर IPS डिस्प्ले मिल रहा है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनता है इस लैपटॉप को लेने का। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बताएंगे कि हमें राइजन नहीं चाहिए, हमें इंटेल में जाना है, इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिए इस बजट के अंदर। तो 11th जनरेशन का लेटेस्ट i3 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ आता है, अप टू 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड इसके अंदर आपको मिलता है। इंटेल का USD ग्राफिक्स भी मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस रहेगा, डे टू डेली लाइफ में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग भी थोड़ा बहुत करना चाहते हो ना, इससे निकाल सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाएगा। इसमें आपको 8GB का रैम मिलेगा DDR4 वाला, 2666 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर ये रैम रन करता है और ये बहुत ही अच्छा फ्रीक्वेंसी का एक रैम है। साथ ही साथ इसमें आप रैम को एक्सपांड कर सकते हो अप टू 16GB तक, 256GB का एक NVMe M.2 SSD देखने को मिलता है। बस इस लैपटॉप के अंदर आपको स्टोरेज थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, 256GB का एक NVMe M.2 SSD। डोंट वरी, इसको आप एक्सपांड कर सकते हो अप टू 1TB तक, यहाँ पे आप SSD को एक्सपांड कर सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए मेरे ख्याल से 256GB का SSD भी कुछ कम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई हार्ड ड्राइव दे देता तो मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा इसके अंदर आपको विंडोज 11 मिलता है, ऑफिस मिलता है, स्टूडेंट मिलता है 2019 वाला, मेकअप है एंटीवायरस, 30 दिन का यहाँ पे ट्रायल आपको मिल रहा है। तो एंटीवायरस के लिए अगर कोई पैसा देना चाहते हो पहले से तो रुक जाओ, इस लैपटॉप को ले लो, आपको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे खर्च करने का कोई जरूरत नहीं। 30 दिन के बाद आप पैसा खर्च करके ले सकते हो या फिर पहले से ही एक्सपीरियंस ले सकते हो कि यार एक एंटीवायरस लेने से क्या क्या फायदा होता है। 30 दिन का ट्रायल है, जरूर इसको चेक करना। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, जो कि इस लैपटॉप को लेने का और एक खास रीजन है। अगर आपके घर में कोई राउटर है डुअल बैंड को सपोर्ट करता है तो इस लैपटॉप के अंदर आपको इंटरनेट जो एक्सेस है बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। अगर इंटरनेट बेसिस पे कोई काम वगैरह करते हो, आप इंटरनेट को चलाते हो, अपना काम वगैरह इंटरनेट से ही करते हो, तो ये लैपटॉप आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। डुअल स्पीकर है, आपको मल्टीमीडिया में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ 6 to 7 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इस लैपटॉप को लेने का और एक खास रीजन है, एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट आपको मिलता है, मतलब वॉइस कमांड देके आप अपने लैपटॉप को यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट बनता है। तो अगर अमेजोन में देखा जाए इसका जो करंट प्राइसिंग अभी चल रहा है 36,990 रुपया, लगभग 37,000 के नीचे में ही ये लैपटॉप आपको देखने को मिलता है। और जो जो चीज आपको प्रोवाइड करता है, आफ्टरऑल यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो सारे चीजों को, एंड IPS डिस्प्ले है, मेरे ख्याल से यार सबसे ज्यादा अच्छा है इस बजट के अंदर यही वाला एक लैपटॉप। अगर परचेस करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो, आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं बताते हैं कि हम कॉपी करके वीडियो बनाते हैं, और यहाँ पे जो वीडियोस मैं बताता हूँ उनमें बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं मैं जो प्राइस बताता हूँ वो बहुत ही कम है, और वो लोग जाके देखते हैं बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूँ, यहाँ पे कॉपी वीडियो मैं कभी नहीं बनाता, मैं खुद का रिसर्च करता हूँ कॉन्टेंट और खुद निकालता हूँ आपके लिए स्पेशली, ताकि आपको कभी पछताना ना पड़े एक लैपटॉप परचेस करने के बाद। सो यहाँ पे जितने भी लिस्ट मैंने तैयार किया है, मेरा खुद का यहाँ पे चुना हुआ रिसर्च किया लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अभी मार्केट के अंदर सबसे अच्छे डील में मिल रहे हैं। एंड सेकंड जो थिंग है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि यार ये जो बताता है प्राइस एक बताता है और हम लोग जाके देखते हैं प्राइस ज्यादा है, ऐसा नहीं है। जितना प्राइस मैं बता रहा हूं उतना ही है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है आप सभी लोगों को पता है, अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो मेरे इसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि 37,000 रुपया से थोड़ा ज्यादा दे सकता है, मतलब 38,000 रुपया तक आप अफोर्ड कर पाओगे, ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो तभी इस लैपटॉप को आप देखना। यहां पे बहुत सारे आपके पास चॉइस है। पहली तो मैं बताऊं यहां पे Ryzen का मैं लैपटॉप बताऊंगा जो कि 38,000 रुपया में आपको मिलता है, बहुत ही तगड़ा है। इसके बाद मैं दूसरा चॉइस बताऊंगा Intel के अंदर भी आपको 38,000 रुपया में देखने को मिलेगा। ये आता है HP की तरफ से, एंड HP का 15S इसका नाम अभी मॉडल चल रहा है मार्केट के अंदर। ये लैपटॉप आपको 37,800 रुपया के अंदर देखने को मिल जाएगा। AMD का Ryzen 3 5300U प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4 कोर 8 थ्रेड्स के साथ आता है, अप टू यहां पे 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक का आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। ये लैपटॉप रेडियो
रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ आता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे ग्राफिकल परफॉर्मेंस आपको मिलेगा एज कम्पेयर एज इंटेल जो यूएसडी ग्राफिक्स और आयरिस एक्सी ग्राफिक्स आते हैं उससे जो हमारा राइजन का ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्राफिक्स है। साथ ही साथ आपको 15 इंच का फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा नैरो बेसिस के साथ और 215 इंच का पीक ब्राइटनेस आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस जो होता है देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले में कोई इश्यूज नहीं है। साथ ही साथ 8GB का रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ में रन करता है, ज्यादातर लैपटॉप मैं आपको बताता हूं 2400 या फिर 2600 मेगाहर्ट्ज़ में रन करता है, उससे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी होता है 3200 मेगाहर्ट्ज़ जो कि इस वाले लैपटॉप के अंदर रैम में लगा हुआ है। तो इस लैपटॉप का जो रैम है उसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस रैम को आप एक्सपांड भी कर पाओगे जो कि अप टू 16GB तक यहाँ पे आप मेमोरी को एक्सपांड कर पाओगे, एक्स्ट्रा स्लॉट लगा हुआ है एंड 512GB का N.2 NVMe SSD आपको इसके अंदर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा फास्टर काम करने में आपको मदद करेगा। इस लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि और एक खास बात है एंड इसमें भी आपको एलेक्सा बिल्ट इन का सपोर्ट देखने को मिलता है। ये लैपटॉप प्री इंस्टॉल विंडोज 11 के साथ आता है, ऑफिस आपको 2019 वाला देखने को मिलता है और एक ऑफिस मिलता है 365 एंड यहाँ पे आपको मेकअप लाइफ सेफ एंटीवायरस देखने को मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। यहाँ पे एंटीवायरस आपको लाइफ टाइम दिया गया है, कोई ट्रायल वायल नहीं है इस लैपटॉप में, मेरे को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर एंटीवायरस में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए सोच रहे हो बाद में जाके एंटीवायरस लगाना है तो मत लगाओ, इस लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी चिपका हुआ आता है एंटीवायरस, ठीक है। इस लैपटॉप में आपको डुअल माइक का भी सपोर्ट मिलता है, इसके अंदर जो वेबकैम दिया गया है उसमें आपको डुअल माइक दिया गया है, ये जो माइक है एंटी नॉइस कैंसिलेशन माइक है जिससे आप अगर किसी से बात करते हो ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे या फिर किसी से वीडियो कॉल करते हो तो मेरे ख्याल से आपको जो बाहर का नॉइज है दूसरा व्यक्ति कम सुनेगा क्योंकि यहाँ पे डुअल माइक का इस्तेमाल किया गया है। सिल्वर डिजाइन के साथ आता है, 6 to 7 hours तक का बैटरी बैकअप आपको ये लैपटॉप दे देगा। ओवरऑल अगर इंडियन मार्केट में देखा जाए अमेजोन के अंदर 37,800 रुपया में ये लैपटॉप मिलता है और इसमें आपको जो कीबोर्ड दिया गया है वो नॉर्मल सा कीबोर्ड है। अगर आप इस लैपटॉप के अंदर बैकलिट कीबोर्ड लेना चाहते हो तो भी आपके पास यहाँ पे और एक वेरियंट देखने को मिलता है, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, 38,900 रुपया में बैकलिट कीबोर्ड वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, लाइट जलेगा और ये जो बता रहा हूं आपको 37,800 रुपया में जो मिलता है इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, बस इन दोनों में यही फर्क है, बाकी सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों ही लैपटॉप का बेस बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ध्यान रहे दोस्तों, जो लैपटॉप मैं आपको बताता हूं उस लैपटॉप के नाम से अलग अलग बहुत सारे लैपटॉप बिकते हैं तो ध्यान रखना जो लैपटॉप बताया जा रहा है उनके लिंक से ही जाके लैपटॉप को खरीदिए, नहीं तो आप दूसरा लैपटॉप लोगे और बाद में जाके बोलोगे कि भाई आपने जो बताया था वो खराब है, अच्छा नहीं है। अब ऑल्टरनेट के बारे में बात करते हैं, मतलब 38,000 रुपया के अंदर और एक ऑल्टरनेट है जो कि इंटेल सीरीज के अंदर आता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग राइजन पसंद नहीं करते हैं, पर्सनली इंटेल को पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये लैपटॉप है। इंडियन मार्केट में ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 37,990 रुपया में देखने को मिल जाएगा, लिनोवो का आइडियापैड स्लिम 3। ये लैपटॉप सबसे पहले तो बता दूं एक ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 साल का वारंटी दिया गया है, जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूं सिर्फ इसके अंदर ही 2 साल का ऑन साइड वारंटी मिलता है। तो यहां पे अगर 2 साल के अंदर अपने लैपटॉप में कुछ होता है ना, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लोग आएंगे ऑफिशियल सर्विस सेंटर से आके आपके घर में लैपटॉप को ठीक करके देके जाएंगे। इसके अलावा इसमें परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत तगड़ा एक प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि इंटेल का लेटेस्ट i3 11th जनरेशन वाला प्रोसेसर है, 4 core 8 threads के साथ आता है एंड साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है 4.1 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड, इंटेल का यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, अप टू यहां पे आप जो परफॉर्मेंस है बहुत ही तगड़ा निकाल सकते हो एंड i3 के जो इंटेल की 11th जनरेशन उनमें गेमिंग तो बहुत अच्छे चलते हैं। इससे पहले मैंने पीसी पर भी देखा था, मेरे एक दोस्त है उसके पास इंटेल का i3 है एंड उसने एक 710 वाला ग्राफिक्स कार्ड लगाया और उसमें गेम मस्त चलता है भाई, अच्छे से खेल लेता है, तो लैपटॉप में भी आपको आई होप आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस लैपटॉप में आपको दिया गया 8GB का रैम, अप टू 12GB तक रैम को एक्सपांड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है, 512GB का एक SSD दिया गया है, इसमें आपको 15.6 इंच का एक फुल HD एंटी ग्लेयर नैरो बेजल वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है जिसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो आपको 250 नीट्स का देखने को मिलता है। 6 hours तक का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप प्रोवाइड कर देता है। इसको लेने का सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो है फास्ट चार्जिंग, ये लैपटॉप फास्ट चार्जर एडाप्टर के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स और ये अप टू 1 hour के अंदर 0 to 80% रैपिड चार्ज जिसको बोला जाता है लिनोवो का कर देता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है ये लैपटॉप, ठीक है। और एक बात बताओ दोस्तों, 40,000 रुपए के अंदर ये कैसा लैपटॉप है, इसके अंदर आपको प्राइवेसी शटर दिया गया है, डुअल माइक तो मिलता ही आपको, 720p का यहाँ पे रिजोल्यूशन है, वेबकैम के अंदर डुअल माइक है बट प्राइवेसी शटर बहुत सारे लैपटॉप में मिसिंग रहते हैं जो कि इसमें लिनोवो ने दिया है, विच वॉज अ क्वाइट गुड थिंग। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मेन रीजन यही है
प्राइवेसी शटर बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलता है इस लैपटॉप में, आपको डॉल्बी ऑडियो एचडी ऑडियो दोनों का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। सो सारे दिक से अगर देखा जाए ना, मेरे ख्याल से एक ऑलराउंडर ये लैपटॉप आप बता सकते हो। विंडोज 11 भी है, लाइफ टाइम आपको मिल जाएगा एंड होम स्टूडेंट आपको 2021 वाला मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए मतलब सारी तरफ से ये जो लैपटॉप है एक ऑलराउंडर लैपटॉप है, आप कहीं से भी इसका कोई कॉन्स नहीं निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका प्राइसिंग और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, विच वॉज अ क्वाइट गुड थिंग। और इसका प्राइस अभी करेंट चल रहा है अमेजोन के अंदर 37,990 रुपया। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, लिनोवो की तरफ से 2 साल के वारंटी के साथ आता है। सबसे ज्यादा मेन चीज 2 साल का वारंटी है, सो इसको आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो गए सारे ऑल्टरनेटिव लैपटॉप, बट अभी मैं आपको जो बताऊंगा मतलब 40,000 रुपया से ही आप अगर लेना चाहते हो, 40 से कम या फिर ज़्यादा नहीं देना चाहते हो, आपके लिए ये लैपटॉप सबसे ज़्यादा बेस्ट लैपटॉप है। अभी तक मैंने जितने भी रिसर्च किए उनमें मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी बुक प्रो, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको 40,000 रुपया में इंटेल का 8 सीरीज वाला प्रोसेसर दिया गया है। इसमें इस्तेमाल किया गया इंटेल का i5 11th generation वाला 11300H। ये प्रोसेसर अप टू 4.4 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड निकाल के दे देता है। इसमें आपको 4 core 8 thread मिलता है और यहाँ पे इंटेल का USD ग्राफिक्स भी मिलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर आप इसको बता सकते हो। एंड इसमें जो क्लॉक स्पीड है सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे यही चीज, 4.4 GHz। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा भाई। कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो आप, कोडिंग करना चाहते हो आप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो, कोई भी काम, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, आपको आराम से ये लैपटॉप इजीली निकाल के दे देगा। इसमें आपको मिलता है 15.6 इंच का फुल HD एंटी ग्लेयर नैरो बेजिल वाला स्क्रीन, जो कि बहुत ही अच्छा एक स्क्रीन है। 8GB का DDR4 रैम देखने को मिलेगा, 3200 MHz वाला। ये भी हायर फ्रिक्वेंसी का रैम है, बट इसके अंदर रैम को आप एक्सपांड नहीं कर सकते हो, 8GB तक ही ये रैम सपोर्ट करता है ये वाला लैपटॉप। इसमें आपको 512GB तक का NVMe SSD देखने को मिलता है। डोंट वरी, यहाँ पे जो SSD है इसको आप एक्सपांड कर सकते हो, विच वॉज एक्सपांडेबल। यहाँ पे विंडोज 10 मिलता है फ्री में, विंडोज 11 में आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आपको विंडोज ऑफिस स्टूडेंट 2021 वाला देखने को मिल जाता है। यहाँ पे विंडोज ऑफिस स्टूडेंट 2019 वाला देखने को मिलता है। ये लैपटॉप DTS प्रोसेसिंग के साथ आता है, मतलब DTS सराउंड साउंड जो है उसको आप प्रोसेसिंग कर सकते हो, जो कि हमें दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर पेड करना पड़ता है पैसा, उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है एक्सेस। 8 to 9 hours तक का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही साथ आपको कार्बन ग्रे कलर देखने को मिलता है इस वाले लैपटॉप के अंदर, विच वॉज अ क्वाइट गुड थिंग। एंड मेटल टाइप के बॉडी आपको एल्युमिनियम टाइप शेडिंग देखने को मिलेगा। एंड कार्बन ग्रे कलर जो होता है उसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर 8 सीरीज के अंदर एक पावरफुल लैपटॉप ढूंढ रहे हो, 40,000 रुपया ही आपका बजट है, डेफिनेटली इसके अंदर आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छा एक लैपटॉप है और मेरे ख्याल से इसको मैंने सेकंड नंबर पे रखा। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये एक नंबर पे कौन सा वाला लैपटॉप है और भाई ने किसको रखा, तो चलिए एक नंबर के लैपटॉप के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखो पहले तो बता दूं ये जो लैपटॉप है ये SR के तरफ से आता है और इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। पहले से ही बता दूं ज़्यादा कुछ नहीं है, 700 रुपया ज़्यादा है। 40,000 रुपया अगर आप दे सकते हो, 700 रुपया भी कैसे मैनेज कर सकते हो भाई, किसी से मांग भी सकते हो, बाद में दे भी सकते हो, ये तो होता ही रहता है। अगर कुछ चीज़ लेने जाते हो 500-700 रुपया ज़्यादा होता है तो दे ही दे सकते हो। सो इस वजह से मैंने इस लैपटॉप को चूज़ किया। SR की तरफ से आता है SR Aspire 3। 40,700 रुपया इसका करेंट प्राइस हमें अमेजोन के अंदर चल रहा है। ये लैपटॉप आपको AMD Ryzen 5 3500U प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाता है। अगर इंटेल में नहीं जाना चाहते हो ना, 40,000 रुपया बजट है, Ryzen लेना है, इसको ऑब्वियसली चेक करो। इसमें आपको 4 core 8 thread देखने को मिल जाता है। इस लैपटॉप के अंदर आपको 3.7 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिलता है। ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही एक पावरफुल प्रोसेसर है। साथ ही साथ आपको Radeon Vega 8 ग्राफिक्स मिलता है। अगर आप Radeon Vega 8 ग्राफिक्स को तुलना करो इंटेल के USD के साथ, कभी भी पकड़ भी नहीं पाएगा। अगर आप कोई ग्राफिक्स कार्ड NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड के साथ इसका तुलना करो तो Radeon Vega 8 जो ग्राफिक्स है लगभग 1050 जो ग्राफिक्स कार्ड है उसके तरह ही परफॉर्मेंस कर देता है। सो बहुत ही एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला आपको प्रोसेसर भी मिल रहा है इसके अंदर ग्राफिक्स के साथ। इसमें आपको 15.6 इंच का बेजिलेस एंटी ग्लेयर फुल HD स्क्रीन देखने को मिलता है। SR का कलर कंफर्ट, SR का यहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। SR का नाइट विजन, ब्लू लाइट शील्ड, बहुत सारे SR के कलर कंफर्ट टेक्नोलॉजी आते हैं, जो कि इससे पहले भी मैंने SR के वीडियोस बनाए थे उनमें बताए थे। 8GB का रैम मिलेगा, 12GB तक रैम को एक्सपांड कर सकते हो। 512GB का NVMe M.2 SSD मिलेगा PCI Gen 3 के साथ। एंड अप टू 2TB तक का एक एक्स्ट्रा
स्लॉट दिया गया है जो कि हार्ड ड्राइव को सपोर्ट करता है 5400 RPM का। सो अगर हार्ड ड्राइव लगाते हो एक NVMe SSD या 512 GB का, ओवरऑल मिला के यार मेरे ख्याल से एक बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस ये निकाल सकता है ये लैपटॉप। आप सोच सकते हो अगर स्टोरेज के हिसाब से जाते हो ना और रैम को भी अगर 12 GB तक एक्सपांड कर देते हो, मेरे ख्याल से यार इसको कोई छू नहीं पाएगा। बहुत तगड़ा लैपटॉप, मतलब 40,000 रुपया का लैपटॉप आपको 50-60,000 के लैपटॉप की तरह परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा। इसी वजह से मैंने इसको एक नंबर पे रखा, क्योंकि सारे तरफ से आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ विंडोज 11 दिया गया है, होम देखने को मिलता है, 9 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दिया गया है, फुल साइज कीबोर्ड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। कोई यहाँ पे आपको नॉर्मल सा कीबोर्ड नहीं मिलता, फुल साइज फ्लो के साथ कीबोर्ड मिलता है नम पैड के साथ। आपको मेटल बॉडी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए आपको वाईफाई ब्लूटूथ का कॉम्बो मिलता है। सारे तरफ से देखा जाए एक ऑलराउंडर लैपटॉप है। और एसआर का आपको जो डिस्प्ले है, पर्सनली मैं एसआर का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एसआर के डिस्प्ले में भी आपको कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। सो यही सारे रीजन थे मैंने इन 4-5 लैपटॉप्स को चुना मेरे इस लिस्ट के अंदर। तो अगर आप में से कोई 40,000 रुपया के अंदर में रह के परचेज करना चाहते हो, डेफिनेटली आप इन सारे लैपटॉप्स को ले सकते हो। सारे लैपटॉप्स के लिंक, बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हो, अपने घर तक डिलीवरी हो जाएगा। बाय द वे आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।